हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेबीनास डेस्क। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आटे के मालपुए बनाने की रेसिपी। तो ये जो मालपुए हैं बहुत ही झटपट बन जाते हैं, ना इनमें हमें किसी तरह की कोई चाशनी बनानी है, ना ही हमें यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आटे और चीनी के इस्तेमाल से हम ये बढ़िया से नरम नरम गर्मा गर्म मालपुए बनाएंगे। तो आइए इनकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं ये आटे के मालपुए। आटे के मालपुए बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिएगा एक कप जितना गेहूं का आटा, आधा कप जितनी चीनी और पानी, यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप। तो आप कोई भी कटोरी के नाप से भी ले सकते हैं या फिर इस तरह के मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी को हमें एक बड़े बोल में या फिर किसी भगोने के अंदर डाल देना है और पानी गर्म इतना होना चाहिए कि आप उसके अंदर उंगली डालें तो आप उसे सहन कर पाएँ, ऐसा गुनगुना पानी हमें लेना है। अब इस गुनगुने पानी के अंदर जो चीनी है उसे डाल करके पिघल देना है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें तो चीनी जो है कुछ देर बाद मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें इसके अंदर आटा डालना है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, अच्छे से घुल गई है पानी के अंदर, और अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके अंदर आटा डालना है, सारा आटा एक साथ नहीं डालना है। सारा आटा एक साथ डाल देंगे तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ आ जाएगी जिसे निकालना थोड़ा संकट हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आटा इसके अंदर डालते जाएँ और इसका घोल तैयार कर लें। तो अभी तो ये घोल काफ़ी गाढ़ा तैयार होगा क्योंकि हमने इसके अंदर पानी बहुत ही कम लिया है, मतलब जितना आटा लिया है उसका 1/4 ही हमने पानी लिया है। थोड़ा पानी का इस्तेमाल हम बाद में भी इसमें करेंगे घोल बनाने के लिए। तो अभी इसे ढक करके 30 से 40 मिनट के लिए आप छोड़ दें, मिनिमम 30 से 40 मिनट इसे रहने दें। 30 से 40 मिनट रहने के बाद आटा थोड़ा सा फूल जाएगा पानी को और एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे जो मालपुए हैं आपके काफ़ी मुलायम बनेंगे, चीनी जो है अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगी। और अब इसके अंदर नॉर्मल पानी डालना है और इसका घोल तैयार करना है। तो लगभग यहाँ पर हम वापस से 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे इस घोल को बनाने के लिए। तो पानी भी सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका घोल तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। अभी भी ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा पानी और हम चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप मालपुए मोटे खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस स्टेज पर रहने दें, इसमें और पानी ना डालें। और अगर पतले मालपुए खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेशो है पानी का वो है 1 कप आटे के लिए लगभग हमने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, तो यहाँ पर ये केसर कलर जो आता है ये यूज़ किया है मैंने, थोड़ा सा डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें केसर को पानी में घोल के डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी इलायची का फ्लेवर भी दे सकते हैं। पर अगर आप कलर डालने के लिए केसर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा केसर डालनी पड़ेगी, तो उससे जो है मालपुए में बहुत ज़्यादा केसर का स्वाद आएगा, तो इसलिए कलर डाला जाता है। तो मार्केट में भी जो मालपुए आते हैं उसमें कलर डाल के अच्छा से उसे केसर कलर का किया जाता है, पर हमने इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं डाला है और मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ। तो ये देखिए जो फाइनल कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की है। फिर भी आप 1-2 मालपुए पहले बना करके चेक करें, उसके बाद ही सारे मालपुए बनाएं। तो ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी डाल के इसे पतला कर सकते हैं, और अगर घोल पतला हो जाए तो उसमें 1-2 चम्मच थोड़ा सा मैदा ऐड करके आप उसे वापस से गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए घोल बन के तैयार है, आइए इसके मालपुए बना लेते हैं। तो तवी में जो है वो घी बढ़िया गर्म हो चुका है। मालपुए बनाने के लिए इस तरह की तवी का इस्तेमाल किया जाता है, ये कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई जो होती है वो नीचे से गोल होती है और तवी जो होती है वो तवे की तरह होती है, नीचे से फ्लैट सरफेस होता है। तो जो जलेबी बनाने के लिए यूज़ आती है वही चीज़ मालपुए बनाने में भी यूज़ आती है। और अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप नॉन स्टिक की या स्टील के फ्राइंग पैन में भी इन्हें बना सकते हैं, उसमें भी बढ़िया बन जाएंगे। और घी जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, मालपुए का घोल डालते ही देखिए इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए। धीमे आँच पर इन्हें नहीं पकाना है, आँच जो है वो मध्यम से तेज़ होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप डालें तब अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को सिम पे कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में वापस आप उसे तेज कर दें। अगर आप धीमे आँच पर ही इसे पकाते जाएंगे तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे कड़क होने लगेंगे, थोड़े से चूई हो जाएंगे। जब ये ठंडे होंगे तो बहुत ज़्यादा चिट्ठापन इनके अंदर लगेगा खाते टाइम। तो इन कुछ टिप्स को आप ध्यान रखेंगे तो मालपुए बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगे। और 1-2 मिनट एक तरफ से हो जाए उसके बाद इन्हें पलट दें और दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट होने दें। और मालपुए जब बन जाएंगे, तल जाएंगे अच्छे से, इसके बाद इस तरह की किसी जाली पर आप निकाल दें। ये ऐसी जाली नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी जाली वाला बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो एक्स्ट्रा घी है उसे झाड़ना है इसके ऊपर से,
और इन्हें आप तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन घी के मालपुए का स्वाद अलग ही होता है। तो ये देखिए मालपुए तल के तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट में ये बढ़िया से पक जाते हैं। और फिर इन्हें इस तरह से झाली के ऊपर रख देंगे तो जो एक्स्ट्रा घी है वो झड़ता जाएगा। और इसी तरह से हम एक दो बैच और बना लेंगे और झाली पर रखते जाएंगे। तो घी अभी गर्म है और गैस की आंच को धीमा कर दिया है और अब इसमें मैं फटाफट से मालपुए डाल दूंगी। तो आप चाहें तो पूरा एक बड़ा मालपुआ भी बना सकते हैं या इस तरह से छोटे छोटे मालपुए भी आप बना सकते हैं। जिस साइज़ की आपकी तवी है उस हिसाब से मालपुओं की संख्या आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 भी कर सकते हैं या पूरा एक बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से 2 से 3 बार और हम इसके पाए निकाल देंगे मालपुए के और इन्हें झाली के ऊपर लेते जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा घी है वो झाली के ऊपर निकल जाएगा सारा नीचे प्लेट में, और थोड़ा सा आप इन्हें दबा भी सकते हैं। और अगर आपको इसमें से घी कम करना है तो आप इन्हें जो है किसी टिश्यू पेपर के ऊपर ले सकते हैं तो और भी घी इसमें से कम हो जाएगा। वैसे ये घी पीते नहीं हैं, बस इसके ऊपर घी जो है वो रहता है क्योंकि हम इन्हें घी के अंदर तल रहे हैं। तो मैं इसे एक दूसरी प्लेट के अंदर ले रही हूँ। आप इन्हें खीर के साथ चने की दाल बना करके उसके साथ सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगते हैं। पकौड़े जब आप बनाएं तो उनके साथ ही फटाफट बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी इंस्टेंट रेसिपी है ये मालपुए बनाने की, ना हमें इसमें कोई किसी तरह की चाशनी बनानी है, ना ही कोई दूध का इस्तेमाल करना है। तो आटे के ये सिंपल से मालपुए बना करके आप इंजॉय कर सकते हैं बारिश के मौसम में। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल रेविनास टेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।